विपक्ष के तौर पर हमारा भी कुछ धर्म बनता है। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार की भी वाहवाही में हम लोग वाहवाही करें। विपक्ष का फर्ज क्या है? विपक्ष का धर्म है कि अगर केंद्र की सरकार के ऊपर कोई बाहरी दबाव आए या सरहद पर कोई तनाव आए तो विपक्ष को सत्ता के साथ खड़े देखना चाहिए, उसे ताकत देनी चाहिए ताकि बाहरी ताकतें या सरहद पर तनाव का फायदा दुश्मनों को ना मिल पाए। दूसरी बात, विपक्ष का धर्म होता है कि अगर सरकार ने जो वायदे चुनाव के दौरान किए थे उसे अगर भूल जाती है सत्ता में आने के बाद, तो विपक्ष का धर्म बन जाता है कि उन्हें उन वायदों की, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महिलाओं पे मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, ऐसे जो जुमले गड़े गए थे उन्हें याद दिलाया जाए कि चुनावी वायदे आपके क्या थे। और अगर आप किसान, मजदूर, गरीब आदमी के खिलाफ नीतियां और कार्यक्रम लाते हैं तो विपक्ष का धर्म बनता है कि सत्ता के सामने खड़े होकर उसका विरोध करे, पुरजोर विरोध करे, जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का यारी का धर्म बनता है। मैं अब आपके सामने आंकड़े रख रही हूँ क्योंकि लोग ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम है ये पॉपुलैरिटी बढ़ने का आधार क्या होता है, किन मापदंडों पर किसी की पॉपुलैरिटी जो है वो जांची जाती है। मैं आपको बताती हूँ, 2 करोड़ सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, 6 साल में कितनी करोड़ नौकरियां, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार हाथ में आ जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत क्या है 6 सालों में कि आज देश में बेरोजगारी 45 सालों में अपने चरम पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी सबसे चरम पर है। ये इस पे अगर पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री जी की जांची जाएगी तो बिल्कुल ग्राफ जो है वो माइनस में चला जाएगा। पॉपुलैरिटी की अगर आप बात करेंगे, राजनीतिक एजेंडा, आर्थिक एजेंडा, सामाजिक एजेंडा और फिर विदेश का एजेंडे आपके क्या हैं, आपकी पॉलिसी, आपकी नीतियां क्या हैं। राजनीतिक एजेंडों पर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, ट्रिपल तलाक हो, 370 धारा हो आपकी, आपका नागरिकता कानून हो, राजनीतिक एजेंडों पर ये अपने आप को कामयाब हो सकता है देख रहे हो, क्योंकि इनके राजनीतिक एजेंडों पे, संघ के एजेंडों में ये मुद्दे 50 सालों में थे और लोगों ने अगर बहुमत दिया तो उस एजेंडों पे इनको काम करना था जो किया। लेकिन आर्थिक एजेंडे पर, देश की अर्थव्यवस्था के एजेंडे पर पूरी तरह फेल हुए हैं, सामाजिक एजेंडों पर पूरी तरह से फेल हुए हैं, पूरी तरह से देश को बर्बाद करने का काम पिछले 6 सालों में केंद्र की इस भाजपा सरकार ने कहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में कहें तो विपक्ष के तौर पर याद दिलाऊंगी, 6 साल सब ताज़ा उदाहरण है, बहुत पीछे नहीं जाऊंगी 6 सालों में, अभी 6 दिन पहले के ही एक एक उदाहरण दूंगी। क्या नारा था इस मोदी सरकार का? बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार 6 सालों में, 6 दिन पहले का उदाहरण दे रही हूँ, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पीपीई किट घोटाले में दोषी पाए गए हैं। 5 लाख रुपए की रिश्वत, दलाली, घूसखोरी मांगने का उन पर आरोप लगा है। ये भ्रष्टाचार के ऊपर ताज़ा उदाहरण है। सामाजिक अगर हम कहें क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, फिर ताज़ा उदाहरण है भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां केंद्र शासित राज्य, इनकी सरकार, इनकी पुलिस, इनके नाक के नीचे दंगे होते हैं। इसी 2020 में दंगे होते हैं, 50 लोग उन दंगों में अपनी जान गंवा देते हैं और ये कहते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। समझ रहे हैं, उदाहरण दे रही हूँ एक एक का कि किस तरीके से। लोकतांत्रिक तरीकों पर कहेंगे तो नागरिकता कानून, देश है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीकों से, गांधीवादी तरीकों से, अहिंसात्मक तरीकों से लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन आपने उस अधिकार से लोगों को वंचित किया और जिन्होंने आवाज, लोकतंत्र के तहत आपके कानून जो देश के संविधान के खिलाफ थे उठाए, आपने एक एक को बदले की भावना से झूठे मुकदमे डालकर, दबाव बनाकर उन्हें जेल भेजना शुरू किया है। ये मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ। किसानों की पर मुद्दे पर आती हूँ, कहा था 6 साल में दुगनी आय करेंगे, MSP पर जो है किसानों को पूर्ण जो है वो पैसा मिलेगा। क्या किसानों की आय 6 साल में दुगनी हुई है? सोचिएगा, किसान आज भी
कर्ज में है। चांदी अगर किसी की हो रही है तो बीमा कंपनियों की हो रही है, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये सरकार गरीब की, किसान की, मजदूर की नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। 6 साल में नीरव मोदी भाई मेहुल चोकसी विजय माल्या 6 साल भारत नहीं लौटे, भगाने में इनका हाथ है, लाने में नाकामयाब हुए हैं, उनके कर्ज माफ किए। GDP देश की विकास दर 7.3 थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के पूर्व गवर्नर, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, 7.5 पर छोड़ कर गए थे। आज विकास दर देश की 4.2 है, 4.2 बेरोजगारी पर बताया, विकास दर पर। पेट्रोल डीजल के दामों पर आ जाइए, आज विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे कम है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में नंबर 1 पर कौन सा देश है जो पेट्रोल डीजल पे सबसे ज्यादा टैक्स वसूल इस देश की जनता से, आम जनता से कर रहा है, तो केंद्र की मोदी सरकार है, 69.3, जी हाँ 69.3 टैक्स की वसूली पेट्रोल और डीजल पर कर रहा है, यही केंद्र की सरकार है। याद दिलाना चाहती, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था $1.40 पहुंचा था, हो हल्ला मचा दिया था देश की सरकार ने, विपक्ष का धर्म निभा रही हूं, याद दिलाऊंगी आपके 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी का गिराफ दिखाते हैं उनसे कहेंगे 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण भी दिखा दीजिए, एडिट किए बिना, छेड़छाड़ किए बिना दिखा दीजिए, $1.40 था, हो हल्ला मचा दिया था, और आज $1 की कीमत ₹75 पार कर चुकी है। पेट्रोल डीजल का मैं आपको बता चुकी हूँ, बेरोजगारी का मैं आपको बता चुकी हूँ, महिला सुरक्षा पर आते, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, नाबालिग बेटियों के लगातार बलात्कार हो रहे हैं, और बलात्कार के आरोप इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के पूर्व केंद्रीय मंत्रियों पर लगते हैं। बेटी बचाओ के नारे के तहत बेटियों को नहीं बचाया जाता, अपने बलात्कार के दोषी नेताओं को बचाने का काम इस सरकार ने किया है, ये सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, सब सबूत आपके सामने, मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ। वीडियो उठाइएगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कांग्रेस लेकर आई थी, गांव के गरीब को, गांव के लोगों को जो है साल में 100 दिन का काम देने का काम कांग्रेस ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद करिएगा, मनरेगा का मखौल और मजाक उड़ाया था, और आज 6 साल में उस मनरेगा को चाकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, 40,000 करोड़ दावा करते कि हमने मनरेगा में खर्च किया, अरे क्योंकि कांग्रेस के समय पर जुमले नहीं गड़े गए थे, जुमले नहीं गड़े गए थे, जमीन पर हकीकत में काम किया गया था, और आज इसीलिए हम एक कदम आगे बढ़ के मांग करते हैं कि मनरेगा में जो साल में 100 दिन का काम मिलता है उसे 200 दिन का काम उस गरीब गांव में रहने वाले मजदूर जो अपने घरों में लौट चुका है उसके लिए आपको करना होगा। FDI पर आती हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे देश को, खुदरा व्यापार को, छोटे व्यापारियों को तबाह कर देंगे, मॉल आ जाएगा, विदेशी निवेश आ जाएगा, विदेशी कंपनियां आ जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा। कांग्रेस ने FDI में कितना प्रतिशत तय किया था, 49.5, यानी कि 50% से कम की भागीदारी FDI में विदेशी कंपनियों की रखी थी, और 51% भारत का हाथ ऊपर रहेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो इवन की सुरक्षा से, सेना के सुरक्षा उपकरणों से भी, में भी जो FDI थी उस FDI को 49 से सीधा 74% पर ले गए हैं, यानी कि आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी विदेशी लोगों का निवेश को जो है वो बढ़ावा देने का काम किया है। आपने GST का विरोध किया था, उठाइएगा कि GST से जो है वो मार पड़ेगी व्यापारियों के ऊपर, उसको लूटा जाएगा, ये आप उसका विरोध करते थे प्रधानमंत्री जी 2014 के अपने भाषणों में, देखिएगा। लेकिन इसी GST के बल पर आप देश की सरकार चला रहे हैं, व्यापारियों से GST के तहत आप पैसा लेकर। आधार का विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा बताई जा रही है, आज मात्र इसी एक आधार की वजह से जनधन खाते खुल पाए, और आज इसी आधार की वजह से ही मात्र इन जनधन खातों में सीधे पैसे भेजने का दावा जो है वो कोई और नहीं, केंद्र की मोदी सरकार खुद कर रही है। बात हुई थी चीन को आंखें लाल करके दिखाने की,
पाकिस्तान को 56 इंच का सेना दिखाने की। आज तो नेपाल भी आके घूर घूर के प्रधानमंत्री जी को देख रहा है। चाइना हमारी सरहदों के अंदर आ चुका है। पाकिस्तान 56 इंच का सेना, पुलवामा जैसे, पठानकोट, नूरी फिल्में बनी, वाह वाह हुई, चुनाव जीत लिया, लेकिन आज भी मात्र राजनीतिक एजेंडे। कश्मीर में 370 धारा हटाना आपका राजनीतिक एजेंडा था, आप इसे कामयाबी कहते हैं, आप अपने एजेंडों को लागू करने को कामयाबी कहते हैं। और हम ये कहते हैं विपक्ष, आपका एजेंडा लागू करने के बाद देश को हासिल क्या होता है कामयाबी, उस पर निर्भर करती है। आप कामयाबी देखते हैं कि 370 धारा हटाना आपकी कामयाबी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस 370 धारा को हटाने के बाद कश्मीर को 3 भाग में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर केंद्र शासित राज्य कर दिया, लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ने आप गए थे, लेकिन आज भी आतंकवाद की आग में कश्मीर चल रहा है। तो आपकी 370 धारा हटाना आपके लिए कामयाबी होगी, लेकिन हम अगर उस कामयाबी को एक कदम आगे बढ़कर आपके धारा 370 हटाने के बाद देखते हैं तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला उस कश्मीर को और इस देश को, दोनों को कुछ नहीं मिला।